Ta-da! Guys! French fries! I mean, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मुझे कुछ भी दोगे ना चॉइस खाने के लिए, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज चूज. फ्रेंच फ्राइज आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट. एंड जब ये फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल नॉन फ्राइड हो तब तो और डबल मजा है, बिकॉज यू कैन एंजॉय दिस गिल्ट फ्री. वाओ, क्रंची एंड सॉफ्ट इनसाइड. लेट्स सी हाउ टू मेक दिस. सो द फर्स्ट थिंग ऑफकोर्स वी नीड टू मेक फ्रेंच फ्राइज. हमें चाहिए आलू. यहाँ पे मैंने करीब 700 ग्राम्स आलू लिया है. काफ़ी सारे फ्रेंच फ्राइज बनेंगे, नाइस बिग साइज आलूज. एंड वॉट वी गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू पील दीज. पील कर लेते हैं. आई डोंट लाइक थ्रोइंग अवे द पोटैटो पील्स. इससे बहुत अच्छा एक पोटैटो पील का ही एक रोस्टेड डिश बनता है. आई एब्सोल्युटली लव इट. सो आई विल रिजर्व दीज पील्स फॉर दैट. Let's peel all our potatoes, and now we're going to cut this into French fry shapes. The easiest way I find is ki pehle niche se ek portion kaat lene ke liye, nice thick chunk, so it balances, and then I'm going to go and cut them nice and thick. And now we're going to go and cut them into our French fry batons. Try to keep the shape as same as possible. ये एक आलू कट हो गया. See, all of them are equal. जैसे ये भी है. And जो बाकी potatoes है इसको भी हम ऐसे ही prep कर लेंगे. And अब हम इस potatoes को soak करेंगे पानी में लगभग 15 minutes के लिए, ताकि जो starch है थोड़ा सा निकल पाए. यहाँ पे मैंने गर्म पानी करने के लिए बिठाया है. And उसके अंदर आई एम गोइंग टू ऐड इन सॉल्ट जेनरसली, करीब 1 teaspoon. वी नीड इट टू बी नाइस एंड सॉल्टी, ताकि जो हमारे पोटैटोज है जब हम उसे पार बॉयल कर रहे तब अच्छे से सॉल्ट को सोक कर लें. चले, मेरे जो पोटैटोज है दे बीन सोकिंग इन वाटर फॉर 15 minutes, एंड अब हम इसे पार बॉयल करेंगे. हम लोग इसे बॉयल करेंगे करीब 5 minutes. याद रखिए, हमें पूरा नहीं पकाना है. वी डू नॉट वॉन्ट टू कुक द पोटैटोज टोटली. वी जस्ट वॉन्ट देम स्लाइटली सॉफ्ट, ताकि जब एयर फ्रायर के अंदर जाए हमें बाहर वो क्रिस्पी कोटिंग मिले एंड अंदर में बिल्कुल लुशियस सॉफ्ट पोटैटोज. पोटैटोज 5 मिनट के लिए बॉयल हो गए. नाउ वी गोइंग टू रिमूव देम विद अ स्लॉटेड स्पून. देखिए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं पका है. आई डोंट वॉन्ट देम ओवर कुक्ड. इसको अच्छे से ड्रेन करके एक बड़ा सा ट्रे लेते हैं एंड उसके ऊपर रख देते हैं. चलिए, पोटैटोज को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं ताकि इट कूल्स डाउन नाइसली. मे बी वी इवन कीप इट इन द फ्रिज फॉर सम टाइम. वी वॉन्ट इट टू बी स्लाइटली डिहाइड्रेटेड, ताकि जो स्किन होगा बाहर का, वंस वी एयर फ्राई दिस, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रिस्पी. ये जो फ्रेंच फ्राइज है ये ठंडा हो चुका है. नाउ वी गोइंग टू टच देम नाइसली एंड नाउ वी आर रेडी टू ऐड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल ऑन देम. थोड़ा सा तेल, करीब आई थिंक अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल आई विल बी एडिंग. स्प्रिंकल ऑफ सॉल्ट टू टेस्ट. एंड नाउ जस्ट गोइंग टू गो एंड मेक श्योर अच्छे से ये कोट हो जाए जो हमने ऑयल डाला है उसमें. नाइसली, चलिए अच्छे से थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा ऑयल में ये कोट हो चुका है. And now we are going to air fry this in a preheated air fryer. अब air fryer को preheat करते 200 degree centigrade for 15 minutes. And ये है मेरा air fryer का tray. I'm going to add my fries to this, which are covered in a little bit of oil and a little bit of salt. And इसको भी मैं यहाँ पे spread कर दूँगी. इसको हम दो batch में fry करेंगे air fry, ताकि जो है वो air मतलब crowded ना हो and it's nice and crispy. And we're going to air fry this for around 20 minutes. The French fries hai, wo ho chuke. Wow, just look at how beautiful and golden they are. Wow guys, just hear the sound. So crispy. Why do you need fried French fries when you non-fried ones are so good? Just look at this. Mmm.
क्रंची विद अ सॉफ्ट सेंटर एंड बहुत ही ज्यादा डिलीशियस. सो गाइस, दीज आर माय नॉन फ्राइड फ्रेंच फ्राइज. आपने देखा कितने आसानी से बन जाता है, बहुत ही करारा है, बहुत ही डिलीशियस है. दिस इनसाइड इज एब्सोल्युटली सॉफ्ट एंड यू कैन एंजॉय दिस गिल्ट फ्री. मैं चली इसे एंजॉय करने गिल्ट फ्री. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक श्योर यू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स हु लव फ्रेंच फ्राइज. ट्रस्ट मी, दे विल थैंक यू फॉर इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन बिलो सो दैट यू कैन नोटिफाइड ऑफ एनी न्यू वीडियो दैट कम्स अप. चलिए एंजॉय करने. बाय बाय फ्रेंच फ्राइज.